आर्मी अफसरों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। महिला दोस्त से गैंगरेप का भी आरोप लगा है। आर्मी के दो अफसर महिला दोस्त के साथ गए थे जाम गेट घूमने और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर इंदौर से है जहां पर आर्मी अफसर से लूट और गैंगरेप का मामला सामने आया और इस केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। अपडेट सामने आया है, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया है और वारदात में कुल 6 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। दरअसल आर्मी अफसर को बंधक बनाकर लूट हुई थी। महिला दोस्त से गैंगरेप का भी आरोप लगा है। आर्मी के दो अफसर महिला दोस्त के साथ जाम गेट घूमने गए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। तो जाम गेट घूमने गए आर्मी अफसर और साथ ही महिला दोस्त के साथ लूट की घटना हुई है और जानकारी है कि जो महिला दोस्त है उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया। हालांकि जो दो आरोपी हैं गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जो महिला दोस्त थी उनके साथ भी क्या कोई वारदात हुई है, जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं थी। जो दो आरोपी हिरासत में लिए गए उनसे और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, अभी तक पुलिस के जांच में जो चीज़ सामने आया, जो तथ्य सामने आया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि पूरी घटना जो है रात लगभग 2:30 बजे की है। 2:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक लगभग 2 घंटे तक ये पूरी घटना चली है। अब इसमें जो सेना के दो अफसर हैं, जो ट्रेनिंग अफसर हैं, वो अपनी महिला मित्र के साथ में जाम गेट के पास में एक शूटिंग का एरिया है, सैन्य जहां पर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो एरिया भी उसी से लगा हुआ है। वहां पर उनकी कार खड़ी रहती है। एक जो अफसर है वो महिला मित्र के साथ कार के अंदर बात कर रहे थे, दूसरे वाले जो सैन्य अफसर है वो बाहर अपनी महिला मित्र के साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी दौरान पर 6 बदमाश अचानक से आ जाते हैं और 6 बदमाश जो हैं बाहर खड़े दोनों लोगों को बंधक बना लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और कार के अंदर जो बैठे हुए ट्रेनिंग ऑफिसर उनसे कहते हैं कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए लेकर आओ, इन्हें छुड़वा के ले जाओ। वहां से फिर घटनास्थल से उन दोनों को भेज दिया जाता है पैसे लेने के लिए। उसके बाद जो अभी ट्रेनिंग आर्मी अफसर ने जो बयान पुलिस को दिया है, उन्होंने ये बताया कि मारपीट करने के बाद जो दूसरी उनकी महिला मित्र थी उनको ये सब बदमाश सुनसान वाले स्थान पे नीचे ले जाते हैं और जब वहां से लेकर आते हैं तो उनके पूरे जो कपड़े हैं वो मिट्टी से सने हुए थे, कई जगह से कपड़े फटे हुए थे और उनकी हालत उस वक्त काफी खराब थी। इसी आशंका पे, यानी जो उन्होंने बताया गैंग रेप की वाली घटना, गैंग रेप की आशंका को लेकर गैंग रेप की धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। जो युवती है उनका मेडिकल भी कराया जा सका है लेकिन उनके बयान अभी तक दर्ज नहीं हुए क्योंकि वो सदमे में है, काफी घबराई हुई है, इसलिए उनके बयान अब तक दर्ज नहीं हो पाए हैं। अभी तक पुलिस ने इसमें दो लोगों को हिरासत में लिया है, दो लोगों से पूछताछ में बाकी लोगों के नाम और पता भी पुलिस को मिल चुके हैं। पुलिस बहुत जल्द इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासे की बात कर रही है। लगभग 11:15 बजे 11:15 का समय रखा गया है मीडिया ब्रीफिंग का। जो ग्रामीण एसपी हैं हितिका वाजल, वो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया को देने वाली है, जिसका समय निर्धारित रखा गया है 11:15 पर। देखिए, घटना जो है वो जाम गेट पे घटी है लेकिन ये घटना की गंभीरता से जांच इसलिए चल रही है क्योंकि ये पूरी घटना आर्मी के दो ट्रेनी ऑफिसर उनकी महिला मित्र के साथ घटी है। जाम गेट की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में आर्मी के सीनियर अफसर भी शामिल है, वो भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है और दिल्ली तक इसकी पूरी रिपोर्ट भेजी जा रही है क्योंकि ट्रेनिंग आर्मी ऑफिसरों के साथ मारपीट की गई है, उन्हें बंधक बनाया गया, उनके साथ लूटपाट की गई है और उनकी महिला मित्र के साथ गैंग रेप की आशंका भी व्यक्त की है। बिल्कुल, जो मिथिलेश, दो आरोपी जिन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या ये आपराधिक रिकॉर्ड इनका कोई सामने आया है? क्या करते हैं, किस प्रवृत्ति के हैं? जो बाकी अन्य 6 जो आप बता रहे हैं, अन्य जो आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, उनकी पहचान कर ली गई है, उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है? देखिए, 10 टीमों का, पुलिस की 10 अलग अलग टीम बनाई गई है और हर एक टीम को एक सीनियर अधिकारी ऑपरेट कर रहे हैं, यानी सुपरविजन जो है सीनियर अधिकारी का है, उनके ही गाइडलाइन, उनके दिशा निर्देश पर ये जो अलग अलग टीमें काम कर रही है। दोनों आरोपी जिनकी अभी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, इन सब पर कई सारे अपराध दर्ज हैं। अभी तक पुलिस की जाँच में बात सामने आई है और भी जिनके नाम पता आ रहे हैं उन पर भी कई सारे अपराध होने की बात कही जा रही है, चोरी, लूटपाट, मारपीट, तमाम ऐसी जो बड़े अपराध हैं वो दर्ज होने की बात कही जा रही है।
लेकिन जो कुछ हुआ वो काफी डराने वाला था, क्योंकि दो घंटे तक इन ट्रेनी आर्मी ऑफिसरों को इन जो बदमाशों ने बंधक बनाया, मारपीट की और इनकी महिला मित्र के साथ जो कुछ किया वो सब कुछ पूरी घटना का जो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाला ही पूरा घटनाक्रम है मिथिलेश। और जाम गेट के पास की सुरक्षा को लेकर भी अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह कि अगर ये बदमाश एक आर्मी के लोगों के साथ अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बेखौफ हैं, इनके अंदर कोई कानून का डर नहीं है। जैसा आपने पहले भी बताया कि और भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड इन सभी के सामने आ रहे हैं, यानी कि इनको हैबिट है, इनको आदत इस तरीके की लूटपाट करने की। लेकिन ये जो अब मामला सामने आया है इसमें धर दबोचे जाएंगे और ये चौंकाता है कि आर्मी ऑफिसर के साथ अगर इस तरीके की घटना हो सकती है तो आम इंसान तो फिर बहुत इनके लिए हल्का रहेगा, इनको शिकार बनाने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। देखिए अगर ग्रामीणों की बात करें तो जो आसपास के जाम गेट के आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने कहा कि ये जो पूरा इलाका है वो काफ़ी सुनसान रहता है, रात होते होते पूरी जो रोड है वो सुनसान हो जाती हैं। ये पहाड़ी इलाके में जाम गेट बना हुआ है और इसी का फायदा उठाकर बदमाश कई बार लूटपाट मारपीट जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और बोले इसके पहले भी कई जो लड़कियाँ कई पीड़ित युवती इसका शिकार हो चुकी हैं, कुछ लोगों ने तो अपनी शिकायत दर्ज कराई लेकिन कुछ लोगों ने डर के मारे अपनी शिकायत। हमारे साथ मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका मिथुन जी। साथ ही पंकज जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। तो पहले तो मिथुन जी के पास चलते हैं, पहला रिएक्शन आपका, आर्मी ऑफिसर उनकी महिला मित्र के साथ लूटपाट होती है और जानकारी ये भी मिली अभी मिथुन जी कि जो महिला मित्र हैं उनको नीचे की तरफ ले जाया गया, पहाड़ जो जगह थी और वहां पर उनको बहुत ही क्षत विक्षत हालत में छोड़ा गया है, यानी कि गैंगरेप जैसी भी बात सामने आ रही है, मेडिकल टेस्ट करवा दिया गया है। एक आर्मी ऑफिसर महिला मित्र के साथ इस तरीके की घटना होती है, पहला रिएक्शन आपका इस पर क्या है? देखिए मध्य प्रदेश में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो गरीब हो, मध्य प्रदेश का हर नागरिक तो अभी तक असुरक्षित था ही। और हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो भी बल्ला उठा करके लोगों को मारते हैं और भाजपा की पूरी सरकार उन्हें बचाने में लगी जाती। यदि आप अपराधियों का संरक्षण करेंगे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हो कानून और गृह व्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे तो अब तो अति हो गई है साहब। मध्य प्रदेश में लगातार ये जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश का गृह विभाग बिल्कुल अकर्मण्य है, मुख्यमंत्री गृह विभाग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और अब आर्मी के लोगों के साथ ऐसी घटना हो जाना ये मध्य प्रदेश सरकार के मुंह पर अपराधियों का करारा तमाचा है जो मारा गया है। मध्य प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या पुलिस के जो वहां आला अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है, क्या उनका रिव्यू किया जा रहा है और उनके ऊपर कौन सा डिसिप्लिनरी आप उनके ऊपर कौन सी ऐसी सजा तय करने वाले हैं जिससे कि पंकज जी का हम रुख करेंगे, पंकज जी ना हो। ठीक है पंकज जी का रुख करेंगे। पंकज जी अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आर्मी ऑफिसर सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जाम गेट के पास सुनसान इलाकों में ये जो बदमाश जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आ चुके हैं, यानी कि कई सारे इनके पहले भी कुछ FIR इनके खिलाफ दर्ज है, आपराधिक पूरा रिकॉर्ड सामने आया लूटपाट का, घटनाओं का, मारपीट का और उसके बाद भी खुले में घूम रहे हैं। तो पंकज जी का संपर्क टूट चुका है मिथुन जी के पास, एक बार फिर से रुक करते हैं। मिथुन जी पंकज जी का तो फोन कट चुका है और उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यही है कि आपराधिक रिकॉर्ड था सभी आरोपियों का और उसके बाद भी ये खुले में घूम रहे थे, यानी कि जो रियायत दे दी जाती है, जो छूट दे दी जाती है उसका इसी तरीके से फायदा उठाया जाता है कि और बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि आगे चल के तो कभी ना कहीं छूट ही जाएंगे। देखिए पंकज जी का ही नहीं, पूरी की पूरी सरकार का फोन कट चुका है। रोजाना कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, मीडिया के लोग उसको जम करके उठा रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि सरकार की तरफ से जवाब है नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अपराधी है उनको खुली छूट मिली हुई है मध्य प्रदेश में, जो चाहे करिए, और क्योंकि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत संभव है कि इस घटना में भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हों, इस कारण सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती, उनको खुली आजादी है, पुलिस को मारिए, आप थाने में करके मारिए, आर्मी के लोगों के साथ ऐसी विपत्त घटनाएं करी और सरकार तो आपको कोर्ट में जाके बचा ही लेगी जैसे कि आकाश विजयवर्गीय को बचाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि माफियाओं की ये सरकार है, अपराधियों को खुली छूट है और अपराधियों को आजादी है कि पुलिस को मारिए, आर्मी को मारिए, उनकी महिला मित्रों के साथ गैंगरेप करिए, इस तरीके की आजादी सरकार ने दे के रखी है।
बिल्कुल, ये पर्यटन स्थल है जामगेट, जहां पर बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए जाते हैं मिथुन जी, और यहां पर सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल, क्योंकि जो भी पर्यटन स्थल होते हैं वहां पर ज्यादातर युवा ही जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेकर कुछ पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। देखिए, हर जगह केवल इस जगह का तो मामला सामने आ गया, इसलिए चर्चाओं में है, हम लगातार ऐसी मांगे करते हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ लड़कियों के साथ अभद्रता की जाती है, जो युवा कपल जाते हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है, जंगलों में खींच करके उनके साथ क्या क्या हरकतें की जाती है। अगर इस प्रदेश का गृह मंत्री इस तरफ ध्यान नहीं देगा तो कौन देगा? और पुलिस क्या करती रहती? पुलिस क्या केवल जनता के चालान काटने में लगी रही है कि PUC चेक करवाइए साहब, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, आपने हेलमेट नहीं पहना? यहाँ जहाँ पुलिस की आवश्यकता होती है तो यहाँ से पुलिस क्यों गायब रहती है? आपने देखा होगा उज्जैन में खुलेआम एक महिला का रेप किया गया, सनलाइट में रेप किया गया। पुलिस क्या कर रही थी उस समय? वो तो किसी ने वीडियो बना दिया तो उसके पीछे आप पड़ गए कि वीडियो बनाने वाले को ढूंढ रहे, अपराधी को क्यों नहीं ढूंढते? और वो अधिकारी जिसकी गश्त की जिम्मेदारी होती है, इस इलाके में भी जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि लगातार गश्त करें, सुरक्षा को सुनिश्चित करें, वो लोग कहां है? उनके ऊपर जाहिर सी बात है सरकार के पास कोई जवाब देने को नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये छूट दे करके रखी है। बिल्कुल, और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है जहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और इसमें हम जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, बीजेपी के और भी कुछ प्रवक्ता हैं जिनसे संपर्क की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि अचानक से सभी के नेटवर्क खराब होने लगे हैं। मैंने कहा ना, इस सरकार का पूरा नेटवर्क खराब है, इनके पास जवाब होगा तो देंगे ना। आर्मी से जुड़ा हुआ मामला, लगातार आर्मी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, आर्मी के नाम पे वोट मांगती है, और जब आर्मी के लोगों की सुरक्षा करने की बात आती है तो जवाब देने तक की जिम्मेदारी से ये लोग भागते हैं, इनके पास जवाब नहीं। विपक्ष इस मुद्दे को किस तरीके से देख रहा है? क्या कोई एक्शन की तैयारी, किसी भी तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा हो चला, दिल्ली तक आवाज आ रही है इसकी। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को इस मामले पर जवाब देना चाहिए कि इस घटना के तथ्य क्या है, प्रमाण क्या है, और जिम्मेदारों पर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। नहीं होता तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी। बिल्कुल, और देखना यही है कि आखिरकार कब तक संपर्क हो पाता है, क्योंकि हमें एक पक्ष तो हम सुन ही रहे हैं लेकिन दूसरा सत्ता पक्ष को भी जाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जनता तैयार बैठी है जानने के लिए कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मिथुन जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और मिथिलेश का हम सीधे रुख करेंगे। मिथिलेश, ये बहुत ही निराशाजनक है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं नेताओं से जुड़ने की, सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं से जुड़ने की, लेकिन बात हो नहीं पा रही है। ये इतना सीरियस मुद्दा हो चला है कि अब इसकी जो आग है वो दिल्ली तक फैलेगी, और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर राज्यों तक ये खबर पहुंच चुकी है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा है। और अगर इस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी खुलकर सामने सरकार नहीं बोलती है, कोई बयान सामने नहीं आता है, कोई एक्शन सीधे नहीं दिखाई देता है, तो वाकई में हैरानी की बात होगी। क्योंकि अभी हाल ही में मिथुन जी को हमने सुना है, मिथिलेश, उनका यह कहना है कि इसमें कुछ बड़े नेताओं का भी हाथ हो सकता है, उनके परिवार के किसी सदस्य का भी हाथ हो सकता है, ऐसी भी सुगबुगाहट सामने आ रही है। देखिए, अभी तक पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की बात, अगर पुलिस की जांच की बात करें तो जिन दो लोगों को अब तक हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, इनके ऊपर पुराने कई सारे अपराध के मामले दर्ज हैं और ये आदतन अपराधी हैं। बाकियों के नाम पते मिल चुके हैं, बहुत जल्दी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन देखिए, अब कानून व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो मिनी मुंबई में चैन स्निचिंग, लूट, हत्या, डकैती या तमाम जो बड़े गंभीर अपराध होते हैं, जिसे बड़े गंभीर अपराध की कैटेगरी में माना जाता है, वो लगातार वो अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बकायदा जो पुलिस FIR दर्ज करती है, जो कानून के लिए NCR भी बनाया गया है, जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड बयां करते हैं इस पूरी घटनाक्रम को, इस पूरी वारदात को, कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त मिनी मुंबई में। अब देखिए, घटना जो है रात को 2:30 बजे की है, 4:30 बजे तक में जिस तरीके से हैमानियत की बात आ रही, जिस तरीके से मारपीट की बात आ रही है, बेशक कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस को ये पता है कि जामगेट एक बड़े पर्यटक स्थल में से एक है, सुबह से शाम तक वहां पे लोगों की भीड़ लगी रहती है, तो वहां पर रात की पुलिस जो पेट्रोलिंग है वो क्यों नहीं हो रही थी? जिसकी सुरक्षा थी वो कहां गायब थे? क्या रात को उस वक्त पुलिस को वहां पे पेट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए थी? क्या आसपास का जो इलाका है सुनसान, ये पुलिस को नहीं पता है? बिल्कुल पता है कि आसपास के इलाका सुनसान है, कई बार यहां पर लूटपाट हो चुकी है, कई बार बड़ी घटना भी हो चुकी है, बदमाश नीचे की तरफ से आते हैं, जंगलों की तरफ से आते हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देकर वहां से भाग जाते हैं। और इस बार तो घटना जो है वो दो आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसर
तस्करों के साथ घट गई है। इसीलिए पूरे घटना की जो है बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है, क्योंकि आर्मी अफसरों को बंधक बनाना और उनकी महिला मित्र के साथ में गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम देना, जैसा कि FIR में दर्ज है, जो ट्रेनिंग ऑफिसर ने बताया, तो इन सब चीजों को लेकर बड़ी जांच की बात कही जा रही है। सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि अगर अपराध होगा तो अपराध क्यों नहीं थम रहे हैं। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बनाई गई थी, लेकिन पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बनाने के बाद क्या मिनी मुंबई में अपराध थम गए? नहीं, जो रिकॉर्ड है ये बताते हैं कि बल्कि और ज्यादा अपराध इस वक्त पुलिस। ठीक है मिथिलेश, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आर्मी ऑफिसर के साथ मारपीट और उनकी महिला मित्र के साथ गैंगरेप की घटना सामने आ रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे थे जिम्मेदारों से जवाब लेने की, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। बमुश्किल आपसे संपर्क हो पाया है सर। इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर आर्मी ऑफिसर सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान का क्या होगा? बिल्कुल, ये घटना बेहद दुखद है। आर्मी अफसर जो कि देश की सेवा में अपना जीवन देते हैं, उनके साथियों के साथ, महिला मित्र के साथ इस तरह की घटना जंगल में हुई है। और उनको पुलिस को फोन करके मैसेज देके अपने अधिकारियों को, तब वहां पर पुलिस पहुंची। आज के अखबार में मैंने ये घटना अभी पढ़ी है और पुलिस को देखकर वो अपराधी भाग गए। लेकिन ये घटना बेहद निंदनीय है। मध्य प्रदेश सुरक्षा के लिहाज से सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, और अपराधियों पर कठोर कार्यवाही भी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में इस तरह के मामलों में हुई है। इस घटना में भी अतिशीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें कठोर से कठोर दंड देने की व्यवस्था भी दिलाने की व्यवस्था सरकार करेगी। आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए ऐसे स्थानों पर जो कि पिकनिक स्पॉट है या जहां पर पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर भी पुलिस के पर्याप्त इंतजाम हो, ऐसी व्यवस्था। लेकिन इंतजाम नहीं थे ना सर, जाम गेट, ये जामनगर गेट पूरा इलाका है और यहाँ पर बड़ी संख्या में कपल्स ही ज्यादातर आते हैं। पुलिस का पहरा तो होना चाहिए था, और ऐसा नहीं, जो आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं आरोपियों के, उनसे ये स्पष्ट होता है कि ये आदतन अपराधी थे, फिर ये खुले में कैसे घूम रहे थे? निश्चित ही अगर इस तरह का तथ्य पाया जाता है, अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, तो भी कार्रवाई पुलिस के माध्यम से ऐसी होगी जो आने वाले समय में ऐसी घटनाओं में नजीर बने। बिल्कुल, और ये होना ही चाहिए ताकि नजीर बने और लोगों के, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके अंदर खौफ हो कानून व्यवस्था का, कानून को लेकर। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। मिथिलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे देखेंगे अहम खबर, जहां पर ये पूरा मामला आखिर क्या है ये भी एक बार देख लीजिए। पहले की मारपीट, फिर की पैसों की डिमांड, महिला बनी बंधक, गैंगरेप की आशंका। इंदौर के महू में सनसनीखेज वारदात हुई। मंगलवार की देर रात आर्मी के दो ट्रेनी ऑफिसर्स अपनी दो महिला मित्र के साथ जाम गेट सैर करने गए थे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कि उनके साथ जो वाकया पेश आने वाला है वो जिंदगी भर याद रहेगा। जाम गेट पहुंचने पर दोनों महिला मित्र के साथ बातचीत कर रहे थे, इस बीच उन पर हमला हुआ। 7 से 8 की संख्या में आए बदमाशों ने दोनों की पिटाई शुरू कर दी। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे सेना के दो ट्रेनिंग ऑफिसर अपनी महिला मित्र के साथ पर्यटन स्थल जाम गेट घूमने गए थे। जाम गेट के पास गाड़ी खड़ी करके वो अपने महिला मित्र के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान पर 6 से 8 अज्ञात बदमाश आ पहुंचते हैं और ट्रेनिंग ऑफिसरों के साथ जमकर मारपीट करते हैं। इस बीच कुछ बदमाश ऑफिसर की महिला मित्र को पहाड़ी से नीचे लेकर चले गए, जबकि कुछ इनके साथ रहे और पिटाई करते रहे। घटना के दौरान बदमाशों ने एक आर्मी ऑफिसर से 10 लाख देने की डिमांड की और जबरन पैसे लाने को भेज दिया। अब मारपीट करने के बाद में 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। एक ट्रेनिंग ऑफिसर और उनके साथ महिला मित्र को ये बदमाश पैसे निकालने के लिए घटना स्थल से भेज देते हैं और दूसरे ट्रेनिंग ऑफिसर और महिला मित्र को बंधक बना लेते हैं। रकम लेने गए ट्रेनिंग ऑफिसर ने रास्ते में घटना के बारे में मोबाइल से अधिकारियों को खबर की, साथ ही पुलिस से संपर्क किया। पुलिस को लेकर जब ये घटना स्थल पर पहुंचे तो बदमाश फरार हो गए थे, लेकिन बंधक बनी महिला मित्र की स्थिति बेहद गंभीर थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 लोग जाम गेट पे गए थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां, और उनके साथ
छः लोगों ने आकर वारदात की, उनके साथ मारपीट की और एवं उनके साथ लूट की घटना का प्रयास किया, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जैसे ही पुलिस को ये घटना के बारे में पता लगा, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस की टीम ने ही उन लोगों को रेस्क्यू किया और पुलिस की गाड़ी को देखकर बाकी जो भी आरोपी थे वहां से भाग गए। इस पर अभी पुलिस ने FIR भी की। उधर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। अभी बताया जा रहा है कि जो दो लोग वहां पे रुके हुए थे उनके साथ भी काफी गंभीर तरह से मारपीट की गई है। पुलिस इस पूरे मैटर को बहुत गंभीरता से देख रही है। अभी पुलिस ने 4-5 टीम्स बनाई हुई हैं जो लगातार इसके लिए सर्चिंग भी कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। महू में हुई इस वारदात को लेकर पुलिस गंभीर है। देश की रक्षा करने वाले आर्मी के ऑफिसर्स अगर सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की क्या बिसात। जरूरी यह है कि वारदात में शामिल अपराधियों का जल्द से जल्द पता लगाया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कानून का राज कायम रह सके। इंदौर से न्यूज 18 के लिए मिथिलेश की रिपोर्ट।